हेलो दोस्तों, तो आज हम बहुत गजब का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इस अच्छी क्वालिटी के छाते के नीचे हमें वाला गुब्बारा बांध देंगे और इसको छत से फेंक देंगे और फिर देखते हैं क्या ये छाता गुब्बारे को फूटने से बचा पाएगा। ऐसा हम एक बार नहीं तीन तीन बार करेंगे। एक दिन सबसे बड़ा गुब्बारा है जो आपको अभी दिख रहा है, बाकी एक में भरेंगे मीडियम पानी और एक में भरेंगे सबसे छोटा पानी, कम से कम पानी भरेंगे उसके अंदर। तो तीनों को ऊपर से फेंकेंगे और फिर देखते हैं कि किस किस गुब्बारे को ये छाता बचा पाता है। बाकी छाता देखिए अच्छी क्वालिटी का, आप देखेंगे तो इसमें टैग वगैरह सब लगा हुआ है। ये देखिए इसमें ताने ना सबसे ज्यादा कहने वाला जी, ये देखिए इसमें आप ताने देखेंगे ना, ये देखिए 16 ताने। जितनी ज्यादा ताने होती है ना छाते में उतनी ज्यादा क्वालिटी अच्छी होती है छाते की। ये देखिए बाकी नॉर्मल चलता है 12 तन का। ये देखिए इसको देखिए मैं नीचे बंद कर देता हूँ पहले। ये देखिए हमारे पास और भी छाते हैं अगर आप देखेंगे तो। ये देखिए एक है ये 8 तन का जो कि सबसे पुअर क्वालिटी का छाता है, एक आता है 12 तन का जो कि मीडियम क्वालिटी का छाता आता है। बाकी हम अच्छी क्वालिटी साथ करेंगे ताकि हमें रेट पता चल सके। बाकी चलता सबसे ज्यादा 12 वाला ही है, इनका कुछ पता नहीं रहता कि क्या कब उल्टे हो जाए। आपने देखा ना ऊपर की तरफ खुल जाते हैं, जैसे ऊपर वाले को बचा रहे हैं हमको, तो हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है इनके साथ। बाकी हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो देखिए तीन गुब्बारे हमारे पास हैं, तो हम ये वाला एक्सपेरिमेंट हम ईंट के साथ भी करेंगे। ईंट को भी ऐसे इसके नीचे बांध देंगे इसके नीचे, तो क्या है ना ईंट को भी देखेंगे कि ईंट टूटती है या नहीं टूटती है। तो पहले बाहर चलते हैं, बाकी इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी आती है, बस ऐसी एक दिक्कत है कि इसकी जो डंडी है ना बहुत ज्यादा लंबी आती है। तो चलिए पहले हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फालतू बातों में क्या रखा है, तो बाहर चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तीन गुब्बारे देखिए हमने ले लिए, एक देखिए इसमें सबसे ज्यादा पानी है, इसमें मीडियम पानी है और इसमें सबसे कम पानी है, और हम तीन गुब्बारों को हम फेंकने वाले ऊपर से। बाकी देखिए इनमें भी हम धागा ही बांध दिया है, देखिए सब। और देखिए एक रही देखिए हमारे पास ईंट, ईंट में भी देखिए हमने धागा बांध दिया है। ईंट को भी हम ऊपर से छाते के साथ फेंकेंगे जैसे इन गुब्बारों के साथ फेंकेंगे। तो पहले हम ऊपर चलते हैं, आगे का वहीं से शूट करेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते थे कितनी ऊंचाई से देखिए हम गुब्बारों को फेंकने वाले, आप नीचे देख सकते कितनी ज्यादा गहराई है, और जो आप देख रहे हैं वो हमारी छत पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई से छाते को फेंकने के बाद क्या हो सकता है, तो जो भी होगा वो आपके सामने होगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ से देखिए मेरा भाई गुब्बारे को छाते साथ फेंकने वाला है। तो पहले हम छोटा वाला गुब्बारा फेंकेंगे, छोटा इसलिए क्योंकि पहले देखिए छोटा वाला फटना ही पड़ेगा तो और भी नहीं फटेंगे, और छोटा वाला ही फटेगा तो फिर और उनकी आस करेंगे फिर हम। तो देखिए देखिए उसे टांग दिया सब, तो देखिए अभी फेंकने वाला है, फेंकते देखिए क्रैश लैंडिंग। ऐसा ही कह रहा हूँ, इतना ज्यादा मजा आया, मतलब वो क्या थोड़ा सा मुड़ गया उस वजह से ना छाता, देख क्या हालत हुई है। मतलब छाता तो सही है, छाते में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब गुब्बारा से नीचे गिरा था तब नहीं फूटा था, वो फूटा जब जब वो यहाँ से इससे निकल के जब वो नीचे गिरा ना तब जाके वो फूटा, डायरेक्ट नहीं फूटा। सही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि उसने क्रैश लैंडिंग की, आपने देखा था ऊपर से मतलब टेढ़ा होते हुए यहाँ से फिर यहाँ गिरा डायरेक्ट। दूसरे गुब्बारे से ट्राई करते हैं दोस्तों, अब देखिए वो दूसरा गुब्बारा फेंकने वाला है, उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो फेंक दे, तो आपने देखा मतलब उसने संभाल लिया गुब्बारे को, और यह कि नीचे गिरा तो उस यहाँ से टकराया है, सजा घुटा दी छाता पूरा गिला हो चुका है। ये बहुत मजा आया वैसे एक्सपेरिमेंट में। तो अब तीसरे साथ ट्राई करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। तो आपने देखा एक बार गुब्बारा डायरेक्ट नहीं फूटा है, कहीं ना कहीं धरती पर गला सजा फूटा है। क्या बोला तूने? तो तीसरे बार ट्राई कर लेते हैं एक बार और, इसके बाद हम साथ ईंट को और फेंकेंगे, अगर छाते का कुछ नहीं हुआ तो ईंट को भी फेंकेंगे। तो ये सबसे बड़ा गुब्बारा जिसको हम फेंकने वाले हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार भी गुब्बारा फूट गया हमारा, और मेरे हिसाब से छाते का नाश हो चुका है। ये देखिए और हमारा छाता टूट चुका है, अगर आप देखेंगे तो। क्या वो टूट तो दूसरी बार में गया था, मतलब ये वाली जो तनी थी ना वो क्या टेढ़ी हुई थी, तो मैंने सीधी करने की कोशिश की तो मेरे हाथ से टूट गई थी। देखो ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब ये क्या टेढ़ी हुई थी, बाकी ये सीधी होती है इससे ऐसे ऐसे कि देखिए ये वाली है, अगर आप इसको देखेंगे ना ये देखिए बिल्कुल सीधी ना सेपरेट, और ये देखिए टेढ़ी हुई, तो मैंने इसको क्या सीधी करने की कोशिश की तो वो उसमें टूट गई थी एक। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने दूसरी भी सीधी करने की कोशिश की है, उस चक्कर में दूसरी भी टूट गई है। बाकी ईंट को ट्राई करें क्या एक बार और, तो आपने देखा एक भी गुब्बारा मतलब डायरेक्ट नहीं फूटा है, नीचे गिरकर फूटा है। तो दोस्तों अब लास्ट बार ईंट को और फेंकना है बस, मुझे लगता है छाते का नाश हो जाएगा क्योंकि नाश तो हो ही चुका है और कुछ नहीं कर सकते अब इसका। तो दोस्तों आप देख सकते छातों के अवशेष हैं जिनको हमने फोड़ा, एक देखिए वाला, एक देखिए पीला, और बाकी देखिए लाल वाला। तो बस ईंट और फेंकने वाले, मुझे लगता है छाता खत्म हो जाएगा इस बार। सही कह रहा हूँ, बहुत मतलब खतरनाक एक्सपेरिमेंट है ईंट वाला, तो क्योंकि ईंट हो सकता है टूट जाए और ना भी टूटे, कुछ भी हो सकता है। 3 2 1 ये देखिए,
बोला आपने देखा कि उसने ईट की स्पीड को किस हद तक कंट्रोल किया छाते ने, टूट जरूर चुका है पूरा पूरा, ईट भी पूरी टूट चुकी है और उसने एक स्पीड को कंट्रोल किया। आप जानते हैं कि ईट कम से कम 2 किलो की होती है, तो 2 किलो की स्पीड को कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी छाते के लिए। कोई वो पैराशूट थोड़ी ना कि कंट्रोल कर लेगा। बाकी देखिए ईट भी टूट चुकी है पूरी तरीके से। बाकी हम छाते काल दिखा देते हैं आपको एक बार। ये देखिए छाता से पूरा पूरा टूट चुका है, टूटा नहीं मेरे हिसाब से उल्टा हो गया है। इसको सीधा कर लेते पहले एक बार। पहले मैं बाइक ऊपर से आ जाती है, वही करेगा ये सब काम। मैं रिकॉर्डिंग करूँ कि इसको सीधा करूँ। बाकी देखिए मेरे हिसाब से टूटा तो नहीं है छाता। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे ना तो ये बस टेढ़ा हो गया उल्टा नीछे गलने की वजह से। ये देखिए ऐसा कुछ हाल हुआ देखिए छाते। मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ, हो जाएगा। हाँ देखिए सीधा हो चुका है। बस फर्क बस इतना है कि 3 इसमें टूट चुकी हैं। ये देखिए देखिए ये वाली सही है बिल्कुल। बाकी ये भी सही है, बस एक वाली और एक वाली। हाँ ये पहली वाली टूटी है, बाकी एक अभी अभी फिलहाल एक भी नहीं टूटी है। ये देखिए ये लग गई इसमें, ये दोनों पहले की टूटी हुई हैं, अभी एक भी नहीं टूटी है। तो आप कह सकते हैं कि ईट ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया छाते को। ये देखिए पूरा सही छाता देखिए हमारा। बाकी बस ये दो ही टूटी हैं और कुछ फर्क नहीं आया। तो अब इसको बंद कर देते छाते को। अब छाता तो टूट ही गया हमारा, नुकसान हो गया छाते का। ये छाते सही भी नहीं होते जल्दी। मुझे लग रहा था कि ज्यादा अच्छा तो ज्यादा अच्छा चलेगा। बाकी आपने देखा कि जो ईट की जो स्पीड थी उसने किस हद तक कंट्रोल की, मतलब बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा था। क्या बोला तूने? तो ऐसे ही क्या है, जितना कम पानी भरा था ना वो टेढ़ा हो गया, बाकी ज्यादा भारी थी तो सीधे नीचे आ गया। छाते ने स्पीड काफी कम कर ली थी, गुब्बारे तो फूट नहीं थे लेकिन हम जो देखने वाले थे मैटर ये करता है कि स्पीड कितनी कम हो गई। स्पीड काफी कम कर ली थी छाते ने क्योंकि अच्छा छाता था। ये देखिए पूरी टूट चुकी ईट तो, लेकिन स्पीड काफी कम कर ली थी। पहले गुब्बारे में भी कम थी, दूसरे में भी कम थी, तीसरे में कम थी, ईट में भी काफी स्पीड कम थी। तो दोस्तों आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा लगा कमेंट में बता देना। बाकी वीडियो को लाइक करना बनता है, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, तो कर लेना, नहीं करोगे तो माल फूट जाएगा तुम्हारा।